हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए पहले हम रिजल्ट देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इसको हमने कैसे किया था। ये देखिए रूट्स बिल्कुल साफ नज़र आ रही है, बिल्कुल हेल्दी है। चलिए अब देखते हैं इसको हमने कैसे किया था। ये है रबर प्लांट। अभी कुछ सेकंड पहले आपने जो रूट्स वगैरह देखी थी, जो अच्छे से डेवलप हुई थी, वो टेक्निक हमने इसी पे यूज़ की थी। अभी डिटेल में बात करेंगे। ये देखिए एरियल रूट्स, और ये प्लांट वही है जो हमने इसी टेक्निक से, एयर लेयरिंग टेक्निक से हमने इसको ग्रो किया था, इसके मदर प्लांट से। और आप यकीन मानिए, ये इतनी ज़बरदस्त टेक्निक है। पहली बात तो इसमें प्लांट्स के ग्रो होने के चांसेस 100% हैं। बोनसाई डेवलप कर सकते हैं और किसी भी प्लांट को ग्रो करना ईजी होता है। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, बस 5 मिनट का काम है। एक बार आप कर इसको रख दें तो आप देखेंगे कि महीने भर में ये एक नया प्लांट तैयार हो जाता है इस टेक्निक से। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे। अब एक हम छोटा सा कट लगाएंगे, ये देखिए ऐसे। जो इससे पहले आपने वीडियो देखी थी वो थी वाटर लेयरिंग की, जो हमने पांडा फाइकस पे हमने ट्राई की थी और एक हेल्दी प्लांट को ग्रो किया था। अब इसमें क्या है, हम वाटर का यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम सोइल का यूज़ करेंगे। आपको जो मेथड इजी लगे आप वो कर सकते हैं। अब ये देखिए हमने कट लगा लिया है। अब हम नॉर्मल गार्डन सोइल का एक पेस्ट बनाएंगे, ये देखिए ऐसे। अब जो हमने कट लगाया था उसके अंदर एक लकड़ी का टुकड़ा ऐसे हम फंसा देंगे, ये देखिए। ज़्यादा मोटाई नहीं होनी चाहिए लकड़ी की। इस लकड़ी के टुकड़े को हमने जो कट लगाया था उसके बीच में हमने इसको फंसा दिया है। अच्छे से इसको फिक्स कर दें यहाँ पे। अब ये देखिए आपको साफ नज़र आ रहा है, एक्स्ट्रा है जो उसको हम कट कर देते हैं। ये देखिए साइड में से देखते हैं यहाँ से, ये देखिए। अब इससे क्या होगा, जो कट हमने लगाया है वो थोड़ा उभरा हुआ रहेगा, और इसके ऊपर हम जो सोइल पेस्ट हमने तैयार किया है वो इसके ऊपर बांध देंगे। अब एक ट्रांसपेरेंट कागज को इसके ऊपर बांध देंगे हम। ट्रांसपेरेंट होगा तो क्या होगा, तो जो रूट्स वगैरह डेवलप होंगी वो आपको बाहर नज़र आएंगी कागज़ के अंदर से। और इसको बांधते टाइम आपको सावधानी रखनी है, ये जो आपने कट लगाया है उसके ऊपर मिट्टी को बांधा है वो बीच में आना चाहिए, बिल्कुल 1 इंच ऊपर से बांध दें इसको, 1 इंच नीचे से, और अच्छे इसको टाइट करके ही बांधना है इसको, लूज ना छोड़ें इसको।
अब ये देखिए, आज पूरे 35 दिन हो चुके हैं इसको, रूट्स वगैरह डेवलप हो चुकी हैं। ये देखिए रूट्स साफ दिखाई दे रही हैं, इसीलिए हमें ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन ही यूज़ करना चाहिए। चलिए अब इसे हम निकालते हैं और इसकी रूट्स वगैरह चेक करते हैं कैसी डेवलप हुई हैं। ये देखिए रूट्स बिल्कुल हेल्दी हैं और प्लांट हमारा अच्छे से डेवलप हो चुका है। इसको यहाँ से कट करेंगे और एक अलग पॉट में लगाएंगे। अब और इसके लिए सोइल कंपोजिशन मैंने लिया है 80% नॉर्मल गार्डन सोइल और 20% वर्मी कंपोस्ट ऐड किया है मैंने। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।